हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2-26 mm में कैसे हम उसका पीछे वाला मोटर हाउसिंग चेंज करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आपको आगे देखने के लिए। तो हैंडल खोल लेते हैं, आगे वाला हैंडल खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ये हैंडल में। तो पीछे ये जो मशीन है बहुत टूटता है, कभी कभी ये जाम होते हैं तो इसके वजह से खींच लेते हैं, तो इसके वजह से ये मशीन का हैंडल यहाँ से देखिए ये टूट गया है। तो इसको हमको आज चेंज करेंगे। ये एक्स्ट्रा पावर का 26 mm हमारा डेल है तो हम इसमें लगाएंगे मोटर हाउसिंग। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसमें सारे जानकारी मिलेगा, जैसे कि कहाँ पे जो मोटर रहता है वो कहाँ पर कहाँ दिक्कत होता है, वो सारे चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टूट गया है ऐसे, तो आगे वाला चाटो स्क्रू निकाल लेंगे। तो स्पीड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके मशीन में हाउसिंग टूट गया है या फिर और भी कोई दिक्कत है तो वीडियो देखिए, आपको पूरा जानकारी मिलेगा कैसे क्या फिटिंग करना है, कैसे क्या करना है, आप खुद आपके घर में उसको रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बैक स्क्रू में खोल लेता हूँ, क्योंकि उसको हमको खोलना ज़रूरी है, सब कुछ हमको खोलना पड़ेगा क्योंकि हम उसका हाउसिंग चेंज करेंगे, उसका उसके अंदर जो कॉयल रहता है उसको खोलना पड़ेगा, उसके जितने भी सेटअप लगता है सब कुछ खोल के हमको दोबारा फिटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा पावर का मशीन है तो हम खोल लेंगे। अच्छा कंपनी का ये मशीन है, बहुत अच्छा चीज़ है, ब्रांड अच्छा ब्रांड है एक्स्ट्रा पावर, तो कभी कभी टूट भी जाता है तो ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल जल नहीं आ रहा है, और भी कोई दिक्कत है, मतलब ये उसको इसमें जो फेविक्विक रहता है इसको डाल के इसको चलाया गया है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये टूट गया तो ये तो चेंज होगा, लेकिन और कोई दिक्कत है जैसे कि मशीन बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो चलिए क्या दिक्कत है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको खोल लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये पत्ती जो रहता है वो पत्ती टूट गया है। तो पत्ती को हमको ये कभी कभी होता है, बहुत सारे मशीन में ये दिक्कत होता है कि उसका जो कार्बन होल्डर के नीचे जो पत्ती रहता है वो ख़राब होता है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे मशीन में होता है। तो हम इसको खोल लेंगे, यहाँ पे देखिए निकल गया। तो दोस्तों कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आप मुझे नीचे दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरे खुद की वेबसाइट है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पत्ती टूट गया है, जल जाता है कभी कभी, तो यहाँ से हम उसका खोल लेंगे, निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा। यहाँ से हम प्रेस करके थोड़ा प्रेस करके निकाल लेंगे, और इस साइड जो गियर हाउसिंग या फिर आर्मेचर सब कुछ सही है तो हमको इसको कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, काम है। तो यहाँ पे ये जो मोटर हाउसिंग है इसमें काम है। तो यहाँ पे कॉइल में 2 स्क्रू लगता है, वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर कॉइल डाल लो स्क्रू नहीं डाल लो तो दिक्कत करता है, तो आपको स्क्रू लगाना पड़ेगा, नहीं तो कॉइल ऊपर नीचे हो गए आपका आर्मेचर या फिर कॉइल दोनों ख़राब हो सकता है, या फिर एक भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर देखिए हम पीट के चारों तरफ पीटेंगे तो ऑटोमेटिक कॉइल ऊपर आ जाएगा, तो आप खींचोगी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, आपको पीटना पड़ेगा। ओके, यहाँ से ये निकल गया और ये हाउसिंग है, इसको हमको चेंज करना है। तो ये मेन टॉपिक है ये वीडियो का, तो कैसे हम हाउसिंग चेंज करेंगे, और इसके अंदर एक जो आर्मेचर में जो बेरिंग लगता है, बेरिंग का कवर या फिर रबरिंग यहाँ पे है, ये देखिए ये रबरिंग है। अभी दोस्तों ये नया मोटर हाउसिंग है, ये पहले ऑरेंज कलर का था, लेकिन अभी हम क्या करेंगे ब्लू कलर का लगाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर का ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगा, किसी के पास अगर है तो है, लेकिन हमारा तो हम ये ब्लू वाला यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे ये लगा था तो इसको हमको निकालना है और नया वाला लगाना है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में आता है, को नॉर्मल चीज़ है, बहुत अच्छा लास्टिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको पेमेंट कर सकते हो, आप पेमेंट करने के बाद आपके होम डिलीवरी हो जाएगा, घर में पार्सल हो जाएगा, लेकिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कॉइल को चेक कर रहा हूँ, कॉइल में कंटिन्यूटी दिखा रहा है दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं, मोटर हाउसिंग में फिटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मोटर हाउसिंग में फिटिंग कर रहे हो तो चाटो उसका जो कनेक्टर रहता है, कॉइल कनेक्टर रहता है, वो इस जो चारों तरफ जो होल रहता है वो उसमें होल के अंदर आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ऊपर आपको ध्यान देना है,
अभी हमको क्या करना है, उस बोर्ड परफेक्ट हो चुका है, अभी दोनों स्क्रू टाइट कर लेंगे कॉइल के ऊपर जो स्क्रू लग रहा है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है नीचे कमेंट कीजिए, साइड में देगा नंबर से कॉल भी कर सकते हो, मेरे से कॉल कॉन्टैक्ट के बाद भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया गया आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए व्हाट्सएप पर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये कॉइल कनेक्टर जो रहता है ऊपर में जो स्प्रिंग जो पत्ती रहता है वो पत्ती टूट गया है, मतलब जल गया है, तो इसकी वजह से हमको उसको चेंज करना है। यहाँ पे ओके ये देखिए ये रेडी हो चुका है, तो अभी ये पत्ती को हम लगा लेंगे। और ये देखिए ये पत्ती एक जल गया है और एक सही, अभी हमें नया लगाऊंगा। और यहाँ पे ये नॉर्मल सी चीज है, पत्ती लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, परफेक्टली लग जाएगा, दोनों तरफ आपको मिल जाएगा उसका घाटी, तो आपको ऑटोमेटिक अगर आप रिपेयर करो तो ऑटोमेटिक आपको ये नॉलेज आ जाएगा कि इसको कैसे लगाया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे छोटा नॉर्मल काम है, सब कुछ दिखा नहीं सकता हूँ आपको क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए पत्ती लगा रहा हूँ, दोनों तरफ जो दो पत्ती लगते हैं किसी भी तरफ लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो दो पत्ती रहता है वो लगभग लग चुका है, हाँ थोड़ा कोशिश करूँगा उसको परफेक्टली बिठाने के लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो कैवन होल्डर रहता है ये यहाँ पे ये टच होता है, आप रिवर्स फॉरवर्ड इस पोजीशन में कर सकते हो अगर आपका मशीन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए ये जो पत्ती बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मशीन अगर बिल्कुल नहीं चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है फॉरवर्ड में नहीं चल रहा है, तो आप ये पत्ती को चेक कर सकते हो, पत्ती या फिर जो होल्डर रहता है उसके ऊपर जो चीज़ रहती है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो किस तरफ आपको रिपेयर करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए उसका एयर डिफ्लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी फैन गाइड भी बोल सकते हो, इसको आपको लगाना जरूरी है, ये कंपलसरी है, आप अगर नहीं लगा रहे हो तो बहुत दिक्कत करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, एयर डिफ्लेटर लगा लीजिए। फिर आर्मेचर में जो बेयरिंग लगता है उसका जो बेयरिंग का जो रबर रहता है, रबर रिंग बोलते हैं उसको, तो रबर रिंग भी इंपॉर्टेंट है, रबर रिंग लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे चार स्क्रू निकाल टाइट कर लेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत स्पीड बनता है तो जानकारी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए चार स्क्रू मैं टाइट कर लिया हूँ, और यहाँ पे ये जो होल्डर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर आपका रिवर्स फॉरवर्ड में आप इसको पत्ती चेंज कर लो फिर भी काम नहीं कर रहे, तो ये इसको थोड़ा जैसे कि मैं उसको थोड़ा उठा लिया तो ऐसे आप कीजिए तो परफेक्टली चलेगा। अगर आपका मशीन कभी कभी ये बंद हो जाता है, ये भी यहाँ पे भी दिक्कत होता है, तो ये होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर पत्ती ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। और फिर कॉइल कनेक्टर ये तीन ठो चेक कर लीजिए, अगर आपका स्विच सही है तो ये तीन ठो में दिक्कत होता है, और या फिर कॉइल ये थ्री पोजीशन आपको चेक करना है, फिर यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे फिटिंग कर लेंगे, तो स्विच को फिटिंग कर लेंगे, नॉर्मल सा चीज़ है। और यहाँ पे देखिए स्विच को फिटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों मैं शॉर्टकट में आपको दिखा दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, और छोटा सा जानकारी था कॉइल में कैसे कॉइल को निकल के आप हाउसिंग चेंज कर सकते हो, ये एक छोटा सा वीडियो है। तो आप चैनल में ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये इसको वीडियो बनाना है तो 25-30 मिनट लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो काट के मैं 10 मिनट के अंदर किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है, अब मशीन भी चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब चैनल में ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। यहाँ पर मैं मशीन को चला लेता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम कंप्लीट फिटिंग करेंगे, पीछे वाला कवर लगा लेंगे, उसका जो स्क्रू रहता है मतलब उसका जो केबल का कवर रहता है उसको हमको लगाना है, और दोनों स्क्रू टाइट कर लेंगे। ओके फिर अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसका बैक कवर लगा लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी बहुत लोगों ने टूट जाता है, तो इसके बाद से उसका कवर ब्लैक टेप वगैरह लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अभी दोस्तों ये चल रहा है देखिए, तो मैं अभी चार तीन जो स्क्रू रहता है उसको टाइट कर लेंगे, और यहाँ पे एक स्क्रू रह गया है तो इसको निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप घर में डिलीवरी हो जाएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सही चले तो कवर लगा लेंगे। तो थैंक यू।